कोरोना काल में बंद की गई यात्री ट्रेनों की सुविधा अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, उनमें भी कटौती का क्रम जारी है। पहले हसदेव एक्सप्रेस को बंद किया गया और अब त्रिवेंद्रम विशेष ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक राजस्व देने वाले कोरबा में यात्रियों को सुविधा मिलने की बजाय सुविधाएं कम की जा रही हैं। इधर मुख्य स्टेशन प्रबंधक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन चलाई जा रही है। कोरोना के कारण जिन्हें ज्यादा जरूरत है वही ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि 500 से औसत में यात्री ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे रेलवे को यात्री ट्रेनों से आमदनी पहले जैसे नहीं हो रही है। अभी हमारे स्टेशन से पर डे लिंक जा रही है, 4 बजे कोरबा से छुट्टी है, 4:10 में, और पर डे लिंक आ रही है विशाखापट्टनम से, जो कि यहाँ 12:15 में आती है। पैसेंजर की स्थिति है, कभी 500, कभी 600, कभी 400 आ रहे हैं, और उसी कंडीशन में उसी में जा भी रहे हैं। और छत्तीसगढ़ एक आती है आपका, छत्तीसगढ़ में जाने का है, छत्तीसगढ़ में एवरेज पैसेंजर चल रहे हैं 500 का एवरेज ही है, 500-600 का एवरेज ही चल रहा है। नहीं बोले जब तो कोरोना चल ही रहा है, और जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके अर्जेंट है, उन लोग जा रहे हैं, और वही लोग आ रहे हैं जिनका ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण के चलते चूँकि ट्रेनें भी कम है, ट्रेनें मैक्सिमम है नहीं, सब जगह के डेस्टिनेशन का है नहीं, तो उसके चलते पैसेंजर की संख्या कम है। और चूँकि रेलवे पूरी लगा दी है कि बिना रिजर्वेशन के जा नहीं सकते हैं, तो जनरल पैसेंजर लोगों को जिनको मालूम नहीं है उनको असुविधा होती है, इस कारण से भी थोड़ा कम है। और अगर कोरोना ट्रेनें अगर चालू हो जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट।